तो नई वाली इको गाड़ी आपने परचेस कर ली है और लगाना है साइड फुट स्टेप, तो ये वीडियो आज आप देख लो। हमारे पास में इको गाड़ी है और उसमें डोर वाइजर ऊपर 6 पीस के लगे हुए, साथ ही साथ यहाँ पर लगाया जा रहा है एल्यूमिनियम वाला साइड फुट स्टेप। ये जो साइड फुट स्टेप है ना, एल्यूमिनियम से बना हुआ है। ये क्लैंप आते हैं, इस क्लैंप की मदद से ये बीच में होल्ड होता है और इसके सारे नट बोल्ट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन हम हमारी इको गाड़ी के अंदर कर रहे हैं। ये प्रॉपर एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन है और बढ़िया भी है। तो अभी इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पर चल रहा है। वहीं हम देखें दूसरे साइड में, तो यहाँ पर इसका इंस्टॉलेशन हो चुका है। तो इसका लुक देखें, काफ़ी प्रीमियम क्लास का होता है, एल्यूमिनियम मटेरियल है। इसमें पैर रख के आप अंदर एंटर कर सकते हैं और इससे क्या होता है, गाड़ी का जो लुक आता है ना, बहुत बढ़िया आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी क्वालिटी A1 क्लास की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद में गाड़ी का जो लुक है वो और भी ज़्यादा बेहतर ये बना देता है। तो बढ़िया, इस पर पैर रख के आप इस तरीके से ऊपर चढ़ सकते हैं, मजबूती में काफ़ी बढ़िया है। और समय अच्छा है, बात यह है कि रेट भी इसका रीज़नेबल रहता है। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है। अंदर साइड में आपको बताऊँ मैं, तो अंदर साइड में यहाँ पर ये देखो, ये जो क्लैंप है, इस क्लैंप की मदद से इसको होल्ड किया गया है। तो क्वालिटी इसकी बढ़िया मिल जाती है आपको और समय तक जेन्युइन आता है ये एकदम, और कंपनी वगैरह में भी आपको यही मिलता है। तो बढ़िया, इस पर मैं आपको खड़े होकर दिखाऊँ, तो दोनों पैर रख दिए मैंने यहाँ पर और वेट को भी ये गेन कर लेता है। तो ये जो चीज़ है ना, आप अपनी इको गाड़ी लिए 5 सीटर 7 सीटर, उसमें आप लगवा सकते हैं साइड फुट स्टेप। चलिए इसके अलावा हम बात करें, तो ये हमारी 5 सीटर गाड़ी है। बैक वाली सीट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, फोल्डिंग सीट जो कि यहाँ पर लगाई गई है। तो देखो, ये वाली जो फोल्डिंग सीट है ना, यहाँ पर लगाई गई है। ये 5 सीटर गाड़ी थी, पीछे में ये दो लगने के बाद में अभी 8 सीटर में कन्वर्ट हो गई है। तो ईजिली आप इस पर बैठ सकते हैं आराम से, फोल्डिंग रहती है, इस तरीके से फोल्ड आप कर सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पर इसको रख सकते हैं। लगेज वगैरह हैं आपके पास में तो उसको ऐसा फोल्ड कर दो, ये पूरी जगह मिल गई, इस पर आप अपना लगेज रख लो। और पैसेंजर को बिठाना है तो बढ़िया, ये पैसेंजर को बिठा लो, प्रॉपर है और यहाँ पर लग जाती है इस तरीके। तो फोल्डिंग के बाद में कुछ इस तरीके से रहती है, बढ़िया इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लैम्प की, यहाँ पर नट बोल्ट से इसको लगाया गया। तो एक पहिया ये है, एक पहिया वो, दो पहिया पे रखी रहती है और इस तरीके से फोल्ड अनफोल्ड हो जाती है। तो ये जो सीट है काफ़ी बढ़िया है, आपके पास में भी गाड़ी हो तो इस तरीके का सीट आप अपनी गाड़ी के अंदर लगवा सकते हैं, इको गाड़ी के लिए स्पेशली। तो कैसा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारा जो फुट स्टेप है वो यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर फ्रंट वाली सीट हो गई, ये वाली फ्रंट वाली सीट। तो इको गाड़ी के लिए सारा सामान आपको मिल जाता है यदि आपने इको गाड़ी खरीदी हो। तो यहाँ पर भी इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है। इसके अलावा रियर साइड में आपको अगर स्टील गार्ड चाहिए, फुट स्टेप चाहिए, तो इधर सा रियर वाला गाइड भी आपको मिल जाता है। इसको एक बार लगा के मैं दिखा देता हूँ आपको लुक। अब देखो, गेट लगने के बाद में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा जो साइड फुट स्टेप है कितना प्रीमियम क्लास का है। तो इको गाड़ी लिए तो बिल्कुल ये चीज़ आप अपनी गाड़ी के लिए प्रेफर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।